हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बीएल चौधरी, टीम बोटनी सीएलसी सीकर। आई एम ललित सोनी, टीम बोटनी सीएलसी सीकर। हाँ तो बेटा, स्वागत आपका गुरु नीति 180 वर्सेज 180 श्रृंखला के अंदर। और आज अपन डिस्कस करेंगे प्लांट एनाटॉमी फर्स्ट। बिल्कुल, तो आप समझ रहे हैं कि प्लांट एनाटॉमी, जो एंजियोस्पर्म प्लांट है, जो सबसे मोस्ट एडवांस प्लांट है, पृथ्वी के सबसे विकसित पादप हैं। बिल्कुल, आप समझ रहे हैं कि उनके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके आंतरिक संगठन और जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, यानी जो उनके टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है, उस उन सब के बारे में अपना आज स्टडी करेंगे। तो आप समझ रहे हो बेटा कि जो प्लांट टिश्यू हैं वो मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू होते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू आप समझ सकते हैं कि जो डिवीजन की कैपेसिटी उनमें प्रेजेंट होती है, परमानेंट टिश्यू जो डिवीजन की कैपेसिटी एक बार लॉस्ट कर देते हैं। आप समझ रहे हैं, ये अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं, वो डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, तो स्पेसिफिक फंक्शन के लिए वो डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। बिल्कुल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जो भी मेरिस्मेटिक टिश्यू, उसके सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर क्या होते हैं, उसके पश्चात अपन बात करेंगे कि टाइप ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू है, उसके पश्चात अपन बात करेंगे कि परमानेंट टिश्यू। तो पहले सिंपल परमानेंट पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा है, उसके बाद में कॉम्प्लेक्स जैसे जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, बिल्कुल। तो देखिएगा बेटा, अपन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बोथ एट द रूट अपेक्स एंड द शूट अपेक्स रिप्रेजेंट द मेरिस्मेटिक फेज ऑफ ग्रोथ, द सेल इन दिस रीजन आर। बिल्कुल, तो देखिए बेटा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आपको यहां बता देते हैं कि भी मेरिस्मेटिक टिश्यू, अपने कहा था ना कि प्लांट में दो टाइप के टिश्यू होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं उनमें आप जानते हैं कि डिवीजन की कैपेसिटी रखते हैं, बिल्कुल अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं, सेल डिवीजन कंटिन्यू होता है, इसका फंक्शन फिक्स नहीं है। हाँ, तो अनडिफ्रेंशिएट हो गया। बट आप समझ रहे कि फंक्शन तो कोई हो ही नहीं, ओनली डिवीजन कैपेसिटी है। बिल्कुल, जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है। हाँ, अब आप ध्यान दीजिएगा कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू की जो सेल्स हैं, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू की सेल्स आप समझ सकते हैं कि स्मॉल साइज की होती हैं। बिल्कुल, और आइसोडायमेट्रिक, इनका जो व्यास है वो समान है, समान आइसोडायमेट्रिक आपकी होती हैं, आइसोडायमेट्रिक। और आप समझ रहे हैं कि थिन वॉल आपकी प्रेजेंट होती है। बिल्कुल, आइसोडायमेट्रिक होगी। और सेल आप समझ सकते हैं कि इनमें साइटोप्लाज्म डेंस होता है। हाँ, साइटोप्लाज्म डेंस होता है, लार्ज प्रोटोप्लाज्म डेंस है। बिल्कुल, और लार्ज न्यूक्लियाई। हाँ हाँ, बिल्कुल लार्ज और क्लियर, कंस्पिशियस कंस्पिशियस आप स्पष्ट केंद्रक आपका होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म आपका होता है। स्टोरेज कोई है नहीं इसमें, स्टोरेज कभी नहीं होता है, स्टोर फूड नहीं है, फूड सीधा साइटोप्लाज्म है। हाँ, जिससे साइटोप्लाज्म डेंस हो गया। बिल्कुल, आप समझ रहे कि स्टोरेज नहीं है। नहीं। और आप समझ रहे बेटा कि वैक्यूल, जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एब्सेंट होती है। बिल्कुल, वेरी स्मॉल पॉसिबिलिटी है लेकिन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एब्सेंट है, प्लास्टिड एब्सेंट है, प्रोप्लास्टिड पॉसिबल है। बिल्कुल, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं, और एबुडेंट प्लाज्मोडेसमेटल कनेक्शन, एबुडेंट प्लाज्मोडेसमेटल कनेक्शन होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाईली एक्टिव रीजन में ये सेल्स होती हैं, हाईली मेटाबॉलिक एक्टिव होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है ज्यादा होगा, ईआरजीबी लेस डेवलप होता है, ईआरजीबी लेस डेवलप होता है। तो ये आप मेरिस्मेटिक टिश्यू की सेल्स होती हैं। बिल्कुल, अब ध्यान दीजिएगा कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है, मेरिस्मेटिक टिश्यू उसके टाइप क्या है, ओरिजन के बेसिस पे थ्री टाइप का है, ओरिजन उत्पत्ति के बेसिस पे। बिल्कुल, तो ओरिजन के बेसिस पे आप समझ सकते हो प्रो मेरिस्टेम एंड यू मेरिस्टेम। बिल्कुल, तो सबसे पहले प्रो मेरिस्टेम, अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एम्ब्रियो के अंदर है। बिल्कुल, प्रो मेरिस्टेम भाई, सबसे पहले आप जानते हो सीड में एम्ब्रियो है, तो प्लूम्यूल रेडिकल, जो प्लूम्यूल रेडिकल है प्रो मेरिस्टेम को शो करते हैं, बाद में जब प्लूम्यूल इनिशिएट होगा तो प्राइमरी सिस्टम, शूट सिस्टम, और आप समझ सकते हैं कि रेडिकल से रूट सिस्टम। तो ये टिप के ऊपर आपका जो आएगा ये प्राइमरी आएगा। बिल्कुल, तो प्रो मेरिस्टेम आप जानते हो एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम है, जब सीड का जर्मिनेशन होता है, एम्ब्रियो का जर्मिनेशन होता है, प्लूम्यूल रेडिकल का इनिशिएशन होता है, तो प्रो से क्या डेवलप हो जाता है, प्राइमरी। बिल्कुल, प्राइमरी मेरिस्टेम हो जाता है। यस, हो सकता है यू मेरिस्टेम। यस, फिर आप समझ सकते हैं कि प्राइमरी मेरिस्टेम से डिफरेंशिएशन होता है, विभेदन होता है, तो परमानेंट टिश्यूज बनते हैं, पैरेन्काइमा। अब जो लिविंग परमानेंट है वो जनरली डिवीजन की कैपेसिटी लॉस कर चुके होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन को ले चुके होते हैं, लेकिन आप जानते हो जो रिक्वायरमेंट होती है, और उनको जैसे आप जानते हैं स्टिमुलाई मिलता है, उद्दीपन मिलता है, तो रीएंटर करते हैं उनकी सेल G0 से वापस G1 में। और अगर परमानेंट टिश्यू के डिडिफरेंशिएशन से, अगर आपका मेरिस्टेम, देखो मेरिस्टेम से परमानेंट डेवलप होता है, लेकिन परमानेंट से डिडिफरेंशिएशन प्रोसेस से अगर मेरिस्टेम वापस डेवलप हो जाए, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम, जो आप समझ सकते हो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। लेटरल मेरिस्टेम जो होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम है, जितने भी कैंबियम है आप समझ सकते हैं, वहां इंट्राफेसिकुलर कैंबियम को छोड़कर ऑल कैंबियम क्या होती है, सेकेंडरी होती है। तो ये ओरिजिन से भी कह सकते हैं कि ओरिजिन के बेसिस पर दो टाइप का हो गया, प्रो मेरिस्टेम जो कि एम्ब्रियो में है प्लूम्यूल रेडिकल, और ये यहां पे हो गया जो स्टेम में, जो प्लांट में अवेलेबल है वो हो गया यू मेरिस्टेम। बिल्कुल, यू मेरिस्टेम में वो जो इनिशियल फेज शुरुआत से है
वो प्राइमरी मेरिस्टेम है और जो बाद में डेवलप हुआ है। हाँ, अगर सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो ये आएगा, अन्यथा होगा सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं आएगा। बिल्कुल क्लियर। उसके पश्चात अपन बात करते हैं कि भी पोजीशन के बेसिस पे, तो देखिएगा कि पोजीशन स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर जैसे अपन एक प्राइमरी स्टेम का अपन डायग्राम पढ़े तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि ये जो टिप पार्ट होती है यहाँ आपका होता है सूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम होता है एपिकल हो गया, जो टिप पार्ट फिर आप जानते हैं कि जैसे नोड होती है तो नोड रीजन है। बिल्कुल। तो यहाँ अपन बात करें कि नोड से ऊपर कुछ में, जैसे यहाँ आप समझ सकते हैं नोड से अपर या लोअर कभी कभी कुछ मेरिस्टेम रिमेन रह जाता है फास्ट ग्रोइंग रीजन में, तो उसको आप कहते हो इंटरकलरी मेरिस्टेम। या आप कह सकते हो कि साहब शूट एपेक्स की कुछ सेल्स पीछे रह जाती है, इनको हम यहाँ पे बोल देते हैं फास्ट ग्रो होती है तब। बिल्कुल। तो वैसे ये मतलब परमानेंट के बीच में आपका होता है। बिल्कुल। और जो आपका ऐसे अपन जनरली कहते हैं कि जैसे ली प्राइमोडिया बनता है ये फास्ट ग्रो होती है, फिर इस एपिकल की पीछे जो छूटती है लेफ्ट बिहाइंड, वो तो आप समझ सकते हो कि आपने कहा था कि स्टेम के नोड से लीप, तो लीप के एक्जिल में जो एक्जिलरी बड है वो एक्जिलरी बड का फॉर्मेशन होता है, एक्जिलरी बड है। बिल्कुल। और फास्ट ग्रो जब होता है ग्रासेज में इनमें, तो आप जानते हैं परमानेंट के बीच में कुछ मेरिस्टेम जो थोड़ी देर के लिए और इलोंगेशन कर सकता है वो इंटरकलरी मेरिस्टेम है। तो एपिकल होता है, इंटरकलरी होता है, और सेकेंडरी ग्रोथ हो तो लेटरल मेरिस्टेम आता है। बिल्कुल। लेटरल मेरिस्टेम तो आपका पोजिशन के बेसिस पे हो गया। और फंक्शन के बेसिस पे अपन बात करते हैं कि जैसे प्रोटोड्रम है, पेरिब्लेम है, प्लीरोम है, तो वो आप समझ सकते हैं कि भी जैसे प्रोटोड्रम है, ग्राउंड मेरिस्टेम है, और उसके बाद में आप जानते हो प्रोकैम्बियम, और प्रोकैम्बियम जो वैस्कुलर टिश्यूज को फॉर्म करता है। बिल्कुल। तो सब कुछ प्लांट में डेवलप किससे होता है, मेरिस्टेम से ही होता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि कुछ बातें थी। अब अपना क्वेश्चन ये था कि देखो बोथ एट द रूट अपेक्स एंड शूट अपेक्स, तो रूट अपेक्स पे क्या है रैम रूट एपिकल मेरिस्टेम, और शूट अपेक्स पे क्या है सैम शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो वहां मेरिस्मेटिक टिश्यूज है। अब मेरिस्मेटिक सेल्स की आपसे यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स या कुछ यहाँ पर आपके कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर दे रखे हैं। बिल्कुल। देखिएगा पोजेस लार्ज कॉन्स्पिक्स न्यूक्लियाई, यानी एक बड़े सुस्पष केंद्रित, बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल है। क्योंकि क्लियर कट आप जानते हैं लार्ज न्यूक्लियाई होता है क्योंकि वहां इंट्रासेलुलर स्पेस या वैक्यूल ये कुछ होते ही नहीं है, और सेंट्रिक न्यूक्लियस होता है। बिल्कुल। प्राइमरी सेल वॉल इन नेचर, तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई जो मेरिस्टेमेटिक सेल है उसमें कंटिन्यूअसली डिवीजन होता है। बिल्कुल। तो वो फटाफट अगर डिवीजन करे तो इतना समय नहीं बचता कि उसकी सेल वॉल पर डिपोजिशन हो पाए, और सेकेंडरी वॉल एब्सेंट, जिससे सेकेंडरी सेल वॉल बन नहीं पाती और सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल रह जाती है। सेलोजिक वॉल होती है, एबुडेंट प्लाज्मोडेसमेटल कनेक्शन, तो ये आप जानते हैं ये भी होता है। ऑल ऑफ दीज आंसर हो गया फोर, आंसर विल बी फोर। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन द मेरिस्टेमेटिक सेल्स सिंगल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट। नो, मेरिस्टेमेटिक सेल में वैक्यूल नहीं होती है, कैम्बियम सेल में हो सकती है। एक्सेप्शनली स्मॉल वैक्यूल आर प्रेजेंट, ओके, वैक्यूल आर एब्सेंट, ओके, आइदर स्मॉल वैक्यूल आर प्रेजेंट और एब्सेंट। बिल्कुल ये करेक्ट है, यहां पे सही है। देखो वैक्यूल आर एब्सेंट कंप्लीटली भी नहीं दे सकते, कुछ मेरिस्मेटिक सेल में स्मॉल साइज की टिनी वैक्यूल पॉसिबल है, लेकिन जनरली लार्ज सेंट्रल वैक्यूल क्या होती है एब्सेंट होती है। वैसे अगर आप ये आ जाए, हाँ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल आ जाए तो वो तो ऑलवेज एब्सेंट होती है। ये कैरेक्टर तो परमानेंट सेल का हो गया, ये तो परमानेंट का हो गया। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल तो 100% क्या होती है एब्सेंट होती है। क्लियर। और आप समझ सकते हैं कि मेरिस्मेटिक का कोई फंक्शन नहीं है, जब वो डिफ्रेंशिएशन होगा तो उसके प्रोटोप्लाज्म में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस होंगे और किसी स्पेसिफिक फंक्शन को गेन करेगा, तभी तो अपन कहते हैं मेरिस्टेम से जो परमानेंट बनता है तो लॉस ऑफ डिवीजन एंड गेन ऑफ फंक्शन, यानी वो डिवीजन को लॉस करते हैं और किसी ना किसी फंक्शन को क्या करते हैं गेन करते हैं। बिल्कुल। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी फोर। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फ्लोएम पेरेन्काइमा इज फॉल्स, फ्लोएम के लिए कौन सा कथन गलत है मृदुत्व के लिए, इट इज एन इलोंगेटेड स्पिंडल शेप एंड न्यूक्लिएट सेल हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म, ओके, इट्स सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ नॉन सेलुलोजिक मटेरियल। बेसिकली यहां पर जो फ्लोएम पेरेन्काइमा है वो है तो पेरेन्काइमा ही, तो यहां पर उसकी जो सेल वॉल है वो बनती है सेलुलोज से, तो यहां पर नॉन सेलुलोज तो आ ही नहीं सकता। मैं पेक्टोसेलुलोजिक सेल वॉल है तो मेन कंटेंट जो प्राइमरी होता है वो तो सेलुलोज होता है, पेक्टिन होता है आपका। क्लियर। तो इट्स सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ नॉन सेलुलोजिक मटेरियल। बिल्कुल क्लियर है। आप ध्यान दीजिए बेटा कि प्लाज्मोडेसमेटा कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द सेल, पॉसिबल है प्लाज्मोडेसमेटा सेल जब तक प्लाज्मोडेसमा पॉसिबल है जब तक लिविंग सेल्स हैं। बिल्कुल। तो पेरेंट लिविंग प्लांट सेल के अंदर एक सेल से दूसरी सेल में सबस्टांस जाते हैं प्लाज्मोडेसमेटा से। हां बिल्कुल। तो बिसाइड फूड इट स्टोर रेजिन टैनिन लेटेक्स, बिल्कुल सी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, स्टोरेशन इसका फंक्शन है। तो आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है सेकंड, और आप जानते हैं फॉल्स स्टेटमेंट तो क्या हो गया सेकंड हो गया। बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच वन इज करेक्ट, परमानेंट टिश्यू
having all cells similar in structure and function are simple tissue. Okay, permanent tissues having different type of cell are complex tissue. Parenchyma, colenchyma, sclerenchyma are simple tissue. तो यहाँ पर एक ही concept है कि अगर टिश्यू में आने वाली सारी सेल एक जैसी है तब उसको हम लोग यहाँ बोलते हैं सिंपल टिश्यू, और अगर टिश्यू में मिलने वाली जो सेल है वो डिफरेंट टाइप की होती है तब उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू, और बिल्कुल पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्प्लेनकाइमा जो है वो सिंपल टिश्यू का एग्जांपल है। तो बिल्कुल ऑल ऑफ द वो हो गया। सीधी सी बात है कि भी देखो ये मेरिस्मेटिक सेल होती है, मेरिस्मेटिक सेल्स से जब डॉटर सेल फॉर्म होती है तो ये कंटिन्यूसली ये डिवाइड होती है, आप समझ सकते हैं। फिर बताते हैं आपको कि ये मेरिस्मेटिक सेल है और इससे डिवीजन से जो सेल्स बनेगी डॉटर सेल्स हैं तो उनमें से एक तो कंटिन्यूसली डिवाइड अपनी साइज को इंक्रीज करेगी और डिवाइड होगी, वो तो मेरिस्टेमेटिक। दूसरा आप जानते हो कि इलोंगेशन में जाएगी, इलोंगेशन में जाएगी तो उसमें स्ट्रक्चरल फंक्शनल क्या होंगे चेंजेस होंगे, और फाइनली स्ट्रक्चरल फंक्शन चेंजेस होकर वो लॉस ऑफ डिवीजन गेन ऑफ फंक्शन और वो डिफरेंशिएट हो जाएगी। एंड यू कैन से दैट इज द टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, ये डिफरेंशिएट सेल हो जाएगी, डिफरेंशिएट परमानेंट हो जाएगी। उसके बाद आप जानते हैं कि वो एक टाइम पीरियड के बाद वो सेनेशन में जाकर डेथ भी हो सकती है, क्लियर, तो वो परमानेंट हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये पैटर्न जो ग्रोथ का होता है, अब आप ध्यान दीजिएगा कि मेरिस्टेम से जब परमानेंट फॉर्म होता है तो मेरिस्टेम से परमानेंट फॉर्म होता है तो वही बात है कि लॉस ऑफ डिवीजन और गेन ऑफ फंक्शन। तो स्पेसिफिक फंक्शन के लिए जैसे अपन कहते हैं कि मेरिस्टेम से मान लो पेरेन्काइमा बना तो पेरेन्काइमा के 3S फंक्शन अपन बताएंगे आपको। एक तो क्या स्टोरेज, बिल्कुल संचय के लिए, या फिर क्या सिंथेसिस। तो आप समझ सकते हो कि जैसे मेसोफिल होती है लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस, पेलिसेड पेरेन्काइमा, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, तो सिंथेसिस, फोटो सिंथेसिस, सिक्रेशन भी इसका, और सिक्रेशन। तो आप समझ रहे हैं कि भी सिक्रेशन जो स्त्रवण है तो सिक्रेशन, तो 3S फंक्शन पर वहां बात करते हैं। सीधी सी बात होता है कि मेरिस्टेम के डिफरेंशिएशन से जैसे ही प्लांट को रिक्वायरमेंट है, अब डिफरेंशिएशन होगा मेरिस्टेम का तो परमानेंट बनेंगे, जैसे रिक्वायरमेंट है तो सिंपल परमानेंट, एक ही टाइप के सब तो सिंपल परमानेंट बन सकते हैं। सिंपल परमानेंट के अंदर आप समझ सकते हैं कि जो टिश्यूज हैं वो आप जानते हो कि पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब पेरेन्काइमा कोलेनकाइमा तो लिविंग है, स्क्लेरेन्काइमा क्या है, डेड है, तो मेन मैकेनिकल टिश्यू कौन सा है, स्क्लेरेन्काइमा। और आप जानते हो लिग्निफाइड वहां पर स्क्लेरेड हो, जो आप स्क्लेरेन्काइमा फाइबर और मैकेनिकल सपोर्ट जो मजबूती है वो सबसे ज्यादा स्क्लेरेन्काइमा से मिलती है, मेन मैकेनिकल टिश्यू यही ऑप्शन में नहीं है, तब हम कर सकते हैं कोलेनकाइमा, ये लिविंग मैकेनिकल, लिविंग मैकेनिकल है लेकिन मेन मैकेनिकल नहीं है। तो पेरेन्काइमा कोलेनकाइमा थिंग, अब जैसे ऐसे नहीं है कि पहले मेरिस्टेम से पेरेन्काइमा बना फिर पेरेन्काइमा से स्क्लेरेन्काइमा बनेगा, कभी नहीं, सब कुछ बनेगा किससे, मेरिस्टेम से ही बनेगा। प्लांट को रिक्वायरमेंट है पेरेन्काइमा की, पेरेन्काइमा बन जाएगा। प्लांट को रिक्वायरमेंट कहीं पर सपोर्ट की या फिर ज्यादा थिकनी, फ्लेक्सिबिलिटी, जो यंग डाइकोट पार्ट होते हैं जो लचीला होते हैं, कोलेनकाइमा ओनली डाइकोट में होता, मोनोकोट में कभी नहीं होता, और अंडरग्राउंड पार्ट में कभी नहीं होता, अबव द ग्राउंड में आपका होता है बिल्कुल। और जो भी एक्वाटिक प्लांट होते हैं जो पानी में डूबे होते हैं उनमें भी नहीं होता कोलेनकाइमा, बताएंगे आगे जाकर। और फिर आप समझ सकते हैं कि स्क्लेरेन्काइमा इसके लिए रिक्वायरमेंट है बिल्कुल, या फिर एक से ज्यादा टाइप की सेल्स है तो फिर आप जानते हो कॉम्प्लेक्स परमानेंट। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट जो टिश्यूज होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट वो आपके होते हैं प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। तो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम, तो ये स्पेसिफिक फंक्शन के लिए आपके जाइलम फ्लोएम का फॉर्मेशन चार चार सेल से होता है, मतलब एक से ज्यादा टाइप की सेल हो गई, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स हो गया बिल्कुल। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, कोलेनकाइमा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट यंग डाइकोट स्टेम एंड मोनोकोट स्टेम, यंग डाइकोट स्टेम एंड पिटियोल ऑफ ए लीफ, यंग डाइकोट रूट एंड पेडिकल ऑफ ए फ्लावर, यंग मोनोकोट। तो आपको पता है भी कोलेनकाइमा पहले बात तो डाइकोट में होगा बिल्कुल, मोनोकोट में नहीं होगा, और जो अंडरग्राउंडेड पार्ट है उसमें वैसे भी नहीं होगा क्योंकि वहां पर तो मैकेनिकल सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं यंग डाइकोट स्टेम एंड पेटियोल, और यंग डाइकोट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस है उसमें कोलेनकाइमा पाई जाती है बिल्कुल बिल्कुल। अब आप ध्यान दीजिएगा पूरे फंक्शन पर, आप बताते हैं देखिएगा कि जो कोलेनकाइमा है वो लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है, कोलेनकाइमा लिविंग मैकेनिकल टिश्यू स्थूल कोणों तक बिल्कुल। और आप समझ सकते हैं कि कॉर्नर पर जो सेल्स होती है तो यहाँ पर अनइक्वल थिकनिंग होती है, अनइक्वल थिकनिंग, और अनइक्वल थिकनिंग में सेलुलोज पर हेमी सेलुलोज ज्यादा होता है अनइक्वल थिकनिंग के अंदर, तो ये आप समझ सकते हैं कि कॉर्नर पे अनइक्वल थिकनिंग पाई जाती है। और आप समझ सकते हैं कि भी वैक्यूल होती है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है, परमानेंट सेल है तो वैक्यूल थोड़ा पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है कोलेनकाइमा में। अब ध्यान दीजिएगा कि कोलेनकाइमा की बात बताएं तो आप समझ सकते हो कि मोनोकोट में कभी नहीं होता है, मोनोकोट में तो है ही नहीं चाहे कोई भी पार्ट हो,
अबव द ग्राउंड जो अंडरग्राउंड। अब आ जाओ आप डाइकोट में, तो डाइकोट में भी ये है ना, जो अबव द ग्राउंड ही होगा, अंडरग्राउंड पार्ट में कभी भी नहीं होगा। बिल्कुल। अब डाइकोट में अबव द पार्ट में होगा तो यंग स्टेम में होगा, यंग स्टेम में, तभी तो फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है। बिल्कुल, क्लियर। तो यंग स्टेम में होगा, और स्पेशली अपन बात करें कि लीप में भी, लीप बेस में कभी नहीं होगा, पेटियोल में होगा, ताकि उसको फिल्टरिंग करा सके। बिल्कुल। तो आप जानते हैं कि यंग डाइकोट स्टेम में और जो लीप पेटियोल है, या लेमिना में भी पॉसिबल है, लेकिन लीप बेस में नहीं होगा। और एक एक्वाटिक जो सबमर्ज्ड है, जलमग्न भाग होते हैं सबमर्ज्ड, उसमें भी कभी भी नहीं होता है। उसमें कोलेनकाइमा ना स्कलेनकाइमा होता है। बिल्कुल, सिर्फ कोलेनकाइमा। तो आप जानते हैं कि कोलेनकाइमा, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा यंग डाइकोट स्टेम, पेटियोल और फ्लीफ। बिल्कुल। यहाँ देखो मोनोकोट स्टेम में नहीं होगा, यहाँ देखो रूट की तो बात ही नहीं कर सकते, अंडरग्राउंड तो कोई भी हो। क्लियर। और यहाँ देखो मोनोकोट आपका आ गया। क्लियर। आंसर आपका क्या होगा? सेकंड ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट विच वन ऑफ द सिंपल परमानेंट टिश्यू। दिया गया चित्र कौन से प्रकार के सरल स्थायी ऊतक को प्रदर्शित करता है? तो देखो बच्चों, यहाँ पे अपने पास में आइसोडायमेट्रिक सेल है, ठीक है, तो पेरेन्काइमा यहाँ पे हो जाएगा, कोलेनकाइमा नहीं हो सकता, बिकॉज देखो यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस है, ये कभी भी कोलेनकाइमा के अंदर नहीं होते हैं, और कोलेनकाइमा अगर होता तो वहां पे डिपोजिशन भी होता, तो यहाँ पर हो नहीं पाएगा। स्क्लेरकाइमा जो है वो यहाँ पे नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि स्क्लेरकाइमा में दो टाइप की सेल होती है, या तो फाइबर होगी या स्क्लेरेट होगी। बिल्कुल। तो यहाँ पे कंडीशन दोनों को शो नहीं कर रही, तो आंसर यहाँ पे होगा पेरेन्काइमा। भाई जो आप समझते हैं कि अंडाकार गोलाकार, या तो ओवल शेप हो या राउंडेड, है ना, अंडाकार हो गोलाकार हो या फिर दीर्घलंब, आप समझें कि जो इलोंगेटेड ऐसे सेल्स आपकी हो, या गोलाकार हो या अंडाकार हो, तो ऐसी सेल्स आपकी किसी में होती है, पेरेन्काइमा में होती है। और चतुर्दश फलकी टेट्रा, आप जानते कि आप जानते 10 टेट्राहेड्रल, यानी चतुर्दश फलकी, यानी जिनके शीर्ष भोसा टच है, थोड़े थोड़े क्या होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, और ये आपका पेरेन्काइमा है। अपन कहते हैं कि पेरेन्काइमा सेल्स लिविंग सेल्स हैं, कुछ प्लाज्मोडेस्मेटिक इंटरेक्शन शो हो सकते हैं, वैक्यूल है, यस, इंटरसेलुलर स्पेस है थोड़ी बहुत, पैक्टोसेलोजिक सेल वॉल है, पैक्टोसेलोजिक सेल वॉल है, और पेरेन्काइमा मोस्ट प्रिमिटिव टिश्यू है। पेरेन्काइमा मोस्ट प्रिमिटिव टिश्यू, क्योंकि इसकी शुरुआत ब्रायोफाइटा से हुई थी। बिल्कुल, मोस्ट प्रिमिटिव, क्योंकि जब से प्लांट में टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ, बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रायोफाइटा से, तो वहां से आपका पेरेन्काइमा प्रेजेंट है, ब्रायो टेरिडो जिम्नो एनजीओ। ब्रायोफाइटा से पहले जो थैलोफाइटा है वो यहाँ पर सूडो पेरेन्काइमा है, पूरे पेरेन्काइमा नहीं है। अच्छा, उसके बाद अपन बात करते हैं कि ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल प्लांट टिश्यू, के ऐसा कोई प्लांट पार्ट ही नहीं, प्लांट का ऑर्गन नहीं जहां पेरेन्काइमा नहीं, चाहे वो रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो, पेरेन्काइमा हर ऑर्गन के अंदर है। बिल्कुल। साथ साथ अपन कहते हैं ना वरद अंगों का अव्यय, कि मोस्ट ऑफ जो प्लांट के ऑर्गन है उनका मेन कंपोनेंट या मेन जो अव्यय होता है वो आपका क्या है, पेरेन्काइमा। बिल्कुल। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आते हैं, 3S फंक्शंस हैं इसके, स्टोरेज, सिंथेसिस और सीक्रेशन। इसके अलावा पोलेनकाइमा कभी कभी थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस कर सकता है, बाकी फोटोसिंथेसिस मेनली परफॉर्म कौन करता है, पेरेन्काइमा। और लीफ में तो कौन है, पेरेन्काइमा ही, मेसोफिल जो कि पेरेन्काइमा का एग्जांपल है। बिल्कुल, पैलिसेड पेरेन्काइमा हो चाहे स्पंजी पेरेन्काइमा हो। क्लियर है। तो ये कुछ है, बहुत अच्छे क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। एक्सिलरी बड इज डेराइव्ड फ्रॉम, कक्षीय कली विकसित होती है, रूट एपिकल मेरिस्टेम, फेलोजन, शूट एपिकल मेरिस्टेम या कॉर्क। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जिस तरीके से कोई प्लांट होता है उसमें शूट एपेक्स का कुछ पार्ट पीछे छूट जाता है, जो कि लीफ के एक्सियल पार्ट में होता है, इसको बोलते हैं एक्सिलरी बड। फ्यूचर में या तो इससे फ्लावर बन जाता है या फिर इससे ब्रांच बन जाती है। बिल्कुल, ब्रांच या इनफ्लोरेंस की बात है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि देखो ये जैसे ये लीफ का ओरिजिन कैसे हुआ, ये लीफ प्राइमोडिया है, तो लीफ प्राइमोडिया ये एपिकल मेरिस्टेम है। अब एपिकल मेरिस्टेम लीफ प्राइमोडिया है। बिल्कुल। अब आप समझ सकते हैं कि लीफ का एक्सपेंशन होगा, विस्तारण होगा, ये पैटिंग होगी, वेस्कुलराइजेशन होगा, भाई पहले डिफरेंशिएटिंग टिश्यू आएगा तो एपिडर्मिस आएगी, फिर आप जानते हो कि ग्राउंड उसका मेसोफिल आएगा, उसके बाद आप जानते हो कि पैटिंग होगी, वेस्कुलेशन पैटिंग होगी। तो ये आप समझ सकते हैं कि ऐसे, तो ये आपका एपिकल मेरिस्टेम हो गया, ये लीफ प्राइमोडिया हो गया, और एपिकल मेरिस्टेम से ही ये लीफ का फॉर्मेशन हुआ, फिर लीफ अटैच कहाँ से हुई, ये लीफ का विस्तारण हुआ। बिल्कुल। तो यहाँ ये कुछ मेरिस्टेम का पार्ट यहाँ पर रिमेन रह जाता है। तो हर लीफ के एक्सिल में जहाँ लीफ नोड से अटैच होती है, तो हर लीफ के एक्सिल में यहाँ पे आपकी होती है एक्सिलरी बड। बिल्कुल। और एक्सिलरी बड एपिकल मेरिस्टेम का, वो भी सूट एपिकल मेरिस्टेम का पार्ट होता है, सीधा एनसीईआरटी की लाइन है, कई बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है,
इसमें कई बार आपको डिस्टर्ब कर देंगे कि मान लो यहाँ इंटरकलर में ऑप्शन में दो, फिर आपको दूं कि एक्जिलरी बट कि भाई सूट एपिकल मेरिस्टेम जब ग्रो करता है तो लेफ्ट बिहाइंड कुछ सेल्स पीछे छूट जाती हैं, तो वो पीछे छूट जाती है ना वो सेल ऑलवेज, जैसे बेटा कि लीफ की पैटिंग होती है तो लीफ की पैटिंग देखो इस फॉर्म में होती है कि ये एपिकल मेरिस्टेम, ये लीफ प्राइमोर्डिया, और जैसे ही आगे लॉन्गेशन होता है तो ये एक्सपेंशन आपका होता है, तो रियली में ये आपका एक्सिलरी बड है। फिर ये आप जानते हो ये लीफ ये और विस्तारण करके यहाँ परमानेंट मेच्योर नोड से अटैच होती है, तो यहाँ ये ऐसे रिमेन पार्ट आता है, ये एक्सिलरी बड है। तो ये एपिकल मेरिस्टेम का पार्ट एक्सिलरी बड होता है। इंटरकलरी मेरिस्टेम क्या होता है कि जब फास्ट ग्रोथ होती है तो परमानेंट के बीच में, परमानेंट टिश्यूज के बीच में कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहे कुछ टाइम के लिए, तो वो आपका इंटरकलरी होता है। एक्सिलरी बड तो हर लीफ के एक्सिल में हमेशा होगी, या तो ये पड़ी रहेगी वरना ये ब्रांच बना सकती है। या आप ऐसे बोल दो कि भाई जो शूट एपिकल का छोटा वाला पार्ट जो एक्सियल साइड में है बस एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड हो गया जो बिल्कुल बीच में यहाँ पे हो गया अपना इंटरकलरी, इंटरकलरी। और आप समझ सकते हैं कि इंटरकलरी तो कुछ मोनोकोट ग्रासेस में उनमें आपका प्रेजेंट है, बल्कि एक्सिलरी बड तो हमेशा प्रेजेंट रहता है। और एक्सिलरी बड ब्रांच बना सकता है या फिर जब मैच्योरेशन होता है इनफ्लोरेंस बना सकता है। तो आप समझ रहे हैं कि सूट एपिकल मेरिस्टेम बहुत अच्छा आंसर आपका होगा थर्ड, और एनसीईआरटी को बिल्कुल आप फॉलो करें। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ व्हिच ग्रेजुअली डाइमेंशंस एज द सेल मैच्योर एंड द बी इज फॉर्मड ऑन इनर साइड ऑफ सेल, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर ए एंड बी। नव पादप कोशिका की कोशिका भित्ति में स्थित ए में वृद्धि की क्षमता होती है, जो कोशिका परिपक्वता के साथ घटती जाती है वह इसके साथ ही कोशिका भित्ति के भीतर की तरफ का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ए और बी को पहचानना है। देखो बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, नई कोशिका जो होती है उसमें प्राइमरी सेल वॉल का जो फॉर्मेशन है हो जाता है बस, फिर धीरे धीरे जो प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन है वो तो धीरे धीरे कम होता है और जो सेकेंडरी सेल वॉल है उसका धीरे धीरे शुरू हो जाता है। सीधी सी बात है, मिडिल लैमेला आप प्रीकर्सर होता है, मिडिल लैमेला जो दो प्लांट नेबरिंग प्लांट सेल को होल्ड करता है, ये थिन होता है, एमोरफस होता है, बिल्कुल मिडिल लैमेला। अब आपकी होती है प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल तो प्राइमरी सेल वॉल ग्रोथ करने में कैपेबल होती है थोड़ी देर के लिए, आप समझ सकते हो। फिर जैसे ही मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बनता है तो सिंपल परमानेंट तो प्राइमरी सेल वॉल ही होती है। अब और मैच्योरेशन पे आप जाते हो तो इनसाइड आप जानते हैं कि सेकेंडरी वॉल बनना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि प्राइमरी वॉल अब डिसमिस होगी। तो अगर अपन इनर साइड से हैं तो सबसे इनर साइड आपकी सेकेंडरी वॉल, आप समझे फिर प्राइमरी वॉल, और आप जानते हैं कि आपका क्या होता है मिडिल लैमेला, क्लियर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है कि भी प्राइमरी वॉल और बिल्कुल सेकेंडरी वॉल, करेक्ट आंसर विल बी सेकेंड, क्लियर। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ए स्टूडेंट प्रिपेयर्ड एंड विजुलाइज स्लाइड ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑर्गन एंड आइडेंटिफाइड द स्लाइड, वन ऑफ द देम इज शोइंग ओवल शेप लिग्निफाइड वॉल कंटेनिंग सेल, दिस स्लाइड मे बिलोंग टू, एक विद्यार्थी विभिन्न पादप अंगों की स्लाइड बनाता है, देखता है एवं स्लाइड की पहचान करता है, इनमें से एक गोल आकृति लिग्नीकृत भित्ति युक्त कोशिका दर्शाता है, यह स्लाइड संबंध हो सकती है पल्प ऑफ गुवावा, फ्रूट पल्प ऑफ पपाया, फ्रूट पल्प ऑफ पियर, या बोथ 1 और 3। तो आंसर आपका होगा 1 और 3, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे स्केलेट को शो करता है। तो स्केलेट जो होती है, स्केलेट आप देखिएगा कि एक बात की थी मैक्रोस्केलेट के लिए बात कर रहा है, बिल्कुल। तो जो पल्प ऑफ फ्रूट होता है, जैसे आप जानते हो कि गर्ड सेल होती है वहां पर, गर्ड सेल, बिल्कुल। तो गर्ड सेल आपकी होती है, जैसे आप गवावा को खाते हैं तो कुछ करकराहट आपको आती है, बिल्कुल। या फ्रूट पल्प ऑफ पियर, नाशपति, नाशपति में आप जानते हो कि अगर वहां आप देखोगे माइक्रोस्कोप से राउंडेड ऐसे येलो येलो राउंडेड नाशपति के गुद्दे में, या आप कह सकते हो जैसे खाते समय जो चढ़ चढ़ की आवाज आती है, स्टोन सेल, स्टोन सेल, बिल्कुल स्टोन सेल अपन बोलते हैं, तो वो आपकी मैक्रोस्केलेट है। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो स्केलेट है स्केलेट, इसके अलावा आप जानते हैं चीकू के पल्प में भी हो सकती है, बिल्कुल क्लियर, सब होता है चीकू। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि जो ऑस्टियोस्केलेट अलग स्केलेट का जो टाइप है वो जैसे ड्रो फ्रूट होते हैं तो उनकी जो एंडोकार्प होती है, स्टोनी जो होती है, बिल्कुल। और ऐसे ही जो टी प्लांट होते हैं, टी या कॉफी का प्लांट होता है उसकी लीव्स में आपकी पॉसिबल है, बिल्कुल। और जो कोटिलेडंस वगैरह वहां पे पाए जाते हैं, हां ओनली लेग्यूम में, लेग्यूम जो ड्रावर का बीज या फिर जो भी लेग्यूम प्लांट के सीड होते हैं ना वहां की बात होती है, पत्रों में होते हैं जो आपको दे रखा होता है। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा थर्ड, जनरली देखो, हां लेकिन कभी भी चाहे फ्रूट का आपको क्वेश्चन आ जाए, कई बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, देखो बेटा कभी आ जाए पल्प ऑफ फ्रूट, फलों का गुद्दा किसका बना होता है, तो आपको हमेशा आंसर देना पेरेन्काइमा, बिल्कुल, क्योंकि गुद्दा तो हमेशा पेरेन्काइमा का होगा, आप जानते हो कि उसको आप खा सकते हैं कुछ भी, पेरेन्काइमा का होगा पल्प। तो अब पेरेन्काइमा के गुद्दे में अगर स्टोन सेल स्कलर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है जो कि लिग्निफाइड है, लिग्निफाइड है, तब तो आप जानते हो कि वो उसमें गट सेल, वो पल्प और गुआ और कुछ फ्रूट के पल्प में आपका होता है।
बाकी इनका भी पल्प तो है पेरेन्काइमा का ही, लेकिन उसमें स्टोन सेल्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। बिल्कुल, बस ये आपको कांसेप्ट आपको ध्यान रखना है, वो कर्करा की आवाज आती है। बिल्कुल, तो नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, मेरिस्टेम हेल्प्स इन विद्योतक इसमें सहायक है, ग्रोथ ऑफ प्लांट, एब्जॉर्प्शन ऑफ प्लांट, मिनरल ट्रांसपोर्टेशन। देखो सिंपल सा कांसेप्ट है, मेरिस्टेमेटिक जो है वो अनडिफरेंशिएट है, इसका मतलब वो पर्टिकुलर फंक्शन तो कर ही नहीं कर सकता। हाँ, वो सेल डिवीजन करता है, जैसे प्लांट में ग्रोथ हो जाती है, बस ओनली एंड ओनली आप जानते हैं कि ग्रोइंग पॉइंट पे डिवीजन करके, जैसे अभी आपने बताया था कि मेरिस्टेम सेल्स से डॉटर सेल्स बनती थी, एक कंटीन्यूअसली डिवाइड रहती है और एक आप जानते हैं कि इलोंगेशन में जाकर स्ट्रक्चरल फंक्शन चेंज करके बाद में जब वो डिफरेंशिएट होकर परमानेंट होती है तो फंक्शन को लेती है। सीधी सी बात है, मेरिस्टेम से परमानेंट बनेगा तो लॉस ऑफ डिवीजन गेन ऑफ फंक्शन, बिल्कुल डिफरेंशिएशन, तब वो फंक्शन को गेन कर पाएगी। उससे पहले आप जानते हैं कि मेरिस्टेमेटिक का कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, जो स्पेसिफिसिटी होती है, विशिष्टता जो होती है, बिल्कुल वो डिफरेंशिएशन के बाद की बात होती है। तो आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इंटरकैलेरी मेरिस्टेम इज डिराइव्ड फ्रॉम अंतर्वेशी विभजोतक उत्पन्न होगा। अभी अपने बात की थी कि जो एपिकल मेरिस्टेम है, जो शूट एपेक्स है, इस एपिकल मेरिस्टेम्स की कुछ सेल्स पीछे छूट जाती है, मोनोकोट्स वगैरह कहते हैं कुछ मोनोकोट में, उसे बोलते हैं इंटरकैलेरी। ये यहां सीधी सी बात कहेंगे इंटरकैलेरी मेरिस्टेम डेराइव्ड क्या, इंटरकैलेरी मेरिस्टेम आल्सो टाइप ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। बिल्कुल, वो प्राइमरी का ही टाइप है, उसी का टाइप आप समझ सकते हैं। तो यहां उसमें अपन यही दे देंगे कि इंटरकैलेरी आल्सो प्राइमरी मेरिस्टेम, बिल्कुल ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। हां, तो उसके बाद और तो अपन आंसर दे ही नहीं सकते। और तो नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, Which among the following are absent in Collenchyma? Collenchyma में क्या absent होता है? Chloroplast, vacuole, intercellular space। अपन यहाँ बता देंगे, बिल्कुल Collenchyma के अंदर जो intercellular space है वो नहीं पाया जाता, कभी भी नहीं पाया जा सकते। Packing deposition होता है, बिल्कुल वो corner में भी हो सकता है। Thickening होती है, unequal thickening होती है ना, वहाँ अपन मानते हैं कि hemicellulose है, लेकिन जो ज्यादा deposition है वो pectin का ही है वहाँ। बिल्कुल, pectin ही ज्यादा deposit हो रहा है वहाँ पे, और cellulose, pectin, hemicellulose भी, लेकिन जो ज्यादा मेन कंटेंट कंटेनर वहां पर पेक्टिन है। बिल्कुल क्लियर, और वैक्यूल तो होती है, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता ही है। बिल्कुल, आप समझ रहे हैं, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते वहां पर, क्योंकि वो जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो लिग्निन से वहां बढ़ते जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट हर में तो नहीं है, लेकिन पॉसिबल है, संभव है, वैसे अबव द ग्राउंड ही होता है कोलेनकाइमा। तो जो यंग स्टेम होता है वो ग्रीन पॉसिबल है, यंग स्टेज ग्रीन इन कलर है ना, तो आप समझ रहे हैं कि वहां पर क्लोरोप्लास्ट पॉसिबल है, तो वहां उसका एसिमिलेशन फंक्शन यानी फोटोसिंथेसिस फंक्शन पॉसिबल है। रिक्तिका हो सकती है क्योंकि परमानेंट टिश्यू है, नहीं वैक्यूल तो प्रेजेंट ही है। बिल्कुल, नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज मोस्ट प्रिमिटिव, कौन सा सब उत्तक सबसे आदिम है। बिल्कुल, सीधी सी बात आपने बता दिया कि जो मोस्ट प्रिमिटिव टिश्यू है वो है पेरेन्काइमा, क्योंकि ये प्रिमिटिव प्लांट ब्रायोफाइटा से शुरू हुआ था। बिल्कुल, तो ब्रायोफाइटा से लेकर अर्थ का हर प्लांट ग्रुप में प्रेजेंट, जहां से टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ, बिल्कुल जहां से उत्तक संगठन आया वहां से ये कंटिन्यूसली ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ और एनजीओ सब में प्रेजेंट है। बिल्कुल, फर्स्ट बात आप समझ सकते हैं कि ये यूनिवर्सल है, क्योंकि प्लांट के हर ऑर्गन में प्रेजेंट होता है, चाहे रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो। अच्छा, उसके बाद अपन कहते हैं कि ये मेजर कंपोनेंट है ऑर्गन्स का, वर्धव्य है, क्योंकि हर प्लांट पार्ट में ETS, epidermis is generally parenchyma, cortical region, cortex, parenchyma, pericycle, pith, ये fundamental tissue तरीके से। तो आप जानते हैं कि fundamental है, major component है, universal है, plant के जो सबसे important function 3S function आपको बताए, synthesis, storage, secretion, बिल्कुल yes, तो वो सारी बातें, इसकी cells की भी आपको attributes आपको अच्छे से कर लेना चाहिए, तो ये बहुत important है। भाई देखिएगा meristem से differentiation होकर जैसी requirement भी वैसा develop होता, parenchyma मेजर है, अब डाइकोट स्टेम को केवल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, यंग डाइकोट स्टेम को वहां रिक्वायरमेंट होगी कोलेनकाइमा की, तो ओनली डाइकोट में, वो भी अबव द ग्राउंड। बिल्कुल है ना, और आप समझ सकते हो कि स्क्लेरेनकाइमा को मैन मैकेनिकल टिश्यू अपन कहते हैं, तो इनकी सेल्स के एट्रीब्यूट्स, इनके फंक्शंस और कैसा डिपोजिशन है, ये सारे आपको याद करने हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया फर्स्ट ऑप्शन। हां, ध्यान दीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज आर स्पेशलाइज्ड, स्थायी उत्तक की कोशिकाएं विशिष्टीकृत होती है, फंक्शनली, स्ट्रक्चरली, बोथ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली या फॉर माइटोसिस। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो परमानेंट टिश्यू की सेल है वो स्ट्रक्चरली भी स्पेशलाइज्ड है, बिकॉज यहाँ पे सेल वॉल थिक होती है, ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल पाई जा सकती है, लेकिन यहाँ पे संभव हो सकता है, और इसका जो फंक्शन है वो तो स्पेशल ही है, क्योंकि साहब जो परमानेंट टिश्यू है वो डिफरेंशिएट सेल है, तो फंक्शन वहां पे स्पेशल होगा ही होगा। बिल्कुल, आपका हो गया बोथ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, उसी तीसरी बात बेटा, अपने बार बार इस लाइन को कई बार अपन बोल चुके हैं कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, डिफरेंशिएशन होगा, और डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा, लॉस ऑफ डिवीजन। बिल्कुल, लॉस ऑफ डिवीजन और गेन ऑफ फंक्शन। बिल्कुल, तो
विभाजन की क्षमता खो देंगी एक बार के लिए और किसी ना किसी स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करेंगी, गेन करेंगे, गेन ऑफ फंक्शन, तो उसको गेन करेंगे। वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, वाटर स्टोरेज हो सकता है, सीक्रेशन, सीक्रेशन हो सकता है, सिंथेसिस हो सकता है, बिल्कुल जैसे रिक्वायरमेंट है, फंक्शन फंक्शन होता है। और जैसे आप जानते टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, आगे अपन टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे तो सरफेस पे प्रोटेक्स एपिडर्मिस है, फिर कॉर्टेक्स है, जो भी रीजंस आपके आते जाएंगे, है ना। तो आप जानते हैं कि लॉस ऑफ डिवीजन और गेन ऑफ फंक्शन, क्लियर है। अब आप ध्यान दीजिए, अपने ये फॉर्म भी आपको बताया कि जो मेरिस्मेटिक सेल्स है उसमें से जैसे जो डॉटर सेल्स है कि ये कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती है या डिविजन में जाती है, दूसरी इलोंगेशन करती है। अब इलोंगेशन करेगी तो वैक्यूलेशन भी होगा, सेल वॉल पे थोड़ा डिपोजिशन भी इंक्रीज होगा, फिर आप जानते हैं इलोंगेशन में जाकर उसके प्रोटोप्लाज्म में स्ट्रक्चरली फंक्शन स्ट्रक्चरली चेंजेस होते हैं प्रोटोप्लाज्म में, तो वैक्यूलेशन होता है, वॉल पे डिपोजिशन इंक्रीज होता है, देन किसी स्पेसिफिक फंक्शन को गेन करती है तो फंक्शनली भी चेंजेस होंगे। अब आप जानते हैं कि स्टोरेज, सिक्रेशन, सिंथेसिस या फिर मैकेनिकल सपोर्ट, कोई भी कोई फंक्शन गेन कर सकती है, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर विल बी थर्ड। और फिर आप ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट, और यहाँ आपको पूरी तरह से ये ग्रोथ फिजियोलॉजी में भी आपको ध्यान देने की रिक्वायरमेंट होगी कि वहां पर भी बहुत अच्छे लेवल पे आपका आता है। तो ध्यान दीजिए नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन नंबर 15, रूट एपेक्स इज सब टर्मिनल बिकॉज इट इज मूल शीर्ष उप शीर्ष होता है क्योंकि ये कवर्ड विद रूट हेयर, कवर्ड विद रूट टैप, कवर्ड विद एपिडर्मिस अंडर द सोइल। तो अपने को पता है जैसे मान लो अपने पास में जो रूट है, इस रूट में जो बिल्कुल टिप पार्ट होगा, इस टिप पार्ट पर क्या होता है, रूट कैप होता है, तो टिप पार्ट पर तो रूट कैप हो गया, उसके पीछे का जो यहाँ पर जोन है इसे हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन, रूट एपेक्स। तो रूट एपेक्स क्या हो गया, सब टर्मिनल हो गया, सब एपिकल हो गया, वो सब टर्मिनल या सब एपिकल की बात हो गई, बिल्कुल ये रूट कैप। और आप जानते हैं जो एस्ट्रोजन थ्योरी अगर अपन पढ़े तो वही आप जानते हैं कि जो डर्मेटोजन है डाइकोटोजन वो बनाएगा मोनोकोट बनाएगा क्लेप्टोजन, और यहाँ कुछ एमएम का, ये आपका होता है फ्यू एमएम का मेरिस्मेटिक जोन, डेंस प्रोटोप्लाज्म वाले सेल्स होते हैं, थिन वॉल्ड और मेरिस्मेटिक जोन होता है। तो मेरिस्मेटिक फ्यू एमएम का, तो सब एपिकल आपका हो गया, क्लियर। तो कवर्ड विद रूट कैप, क्लियर है, बिल्कुल। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दे, फॉर्म्स मेजर कंपोनेंट विद ऑर्गन, सेल वॉल थिन है, सेलुलोज से बनी हुई है, शेप ऑफ सेल जनरली आइसोडायमेट्रिक, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रेशन इज फंक्शन, अबो करेक्टर सास पोलेनकाइमा, स्लेनकाइमा, पेरेनकाइमा, वैस्कुलर टिश्यू, तुमने बात की थी, ये पेरेनकाइमा का करेक्टर है, आइसोडायमेट्रिक सेल, सारे के सारे आपको जो अभी हम बताया कि मोस्ट प्रिमिटिव है, बिल्कुल यूनिवर्सल है, फॉर्म मेजर कंपोनेंट विद ऑर्गन। जब अपन ऑर्गन के इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जब उसके पार्ट में अपन आएंगे टिश्यू सिस्टम में, ETS में, ग्राउंड टिश्यू में, तो ग्राउंड टिश्यू में तो मेनली क्या होगा, पेरेनकाइमा ही होगा आपका, हर ऑर्गन में मेनली पोर्शन पेरेनकाइमा। और आप दिमाग लगाए कि जाइलम में भी जाइलम पेरेनकाइमा है, फ्लोएम में फ्लोएम पेरेनकाइमा, तो फ्लोएम पेरेनकाइमा यूनिवर्सल है। तो फॉर्म्स मेजर कंपोनेंट विद ऑर्गन भी हो गया, यूनिवर्सल हो गया। सेल वॉल थिन होती है, पेक्टोसेलोजी सेलोजिक आपकी होती है, शेप ऑफ सेल जनरली आइसोडायमेट्रिक, क्योंकि वहां पर आप जानते हो सेल राउंडेड अपने बताया था, या ओवल ओवल शेप आपको बताया था, या फिर आप जानते हैं कि ये ऐसे जो दीर्घ लंब फॉर्म इस फॉर्म में आपकी होती है, जो आप समझ रहे हैं कि फिर जब वो टच होती है तो स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट हो सकते हैं, मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट, कभी कभी एब्सेंट भी होते हैं, तो आप जानते हैं कि ये सही है। फोटोसिंथेटिक, स्टोरेज और सिक्रेटरी, जो 3S फंक्शन होता है वो ऑलवेज किसका होता है, पेरेनकाइमा का होता है। अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक आर एट्रिब्यूटेड टू पेरेनकाइमा मृदुतक, क्लियर। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ट्रेकिड्स वेसल्स एंड स्पिरिट्स आर सिमिलर इन दैट दे ऑल, ट्रेकिड्स जो है बेसिकली जाइलम का कंटेंट है, वेसल्स भी जाइलम का है, स्लिट यहां पर जो एक नॉर्मल अपन कह सकते हैं स्प्लेनकाइमा पेरेनकाइमा है, उसका है, परमानेंट का है, लैक सेकेंडरी वॉल, कंडक्ट वाटर एंड मिनरल, फंक्शन व्हेन डेड, हैव ओपन एंड। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि साहब ये जो है वो डेड सेल होती है, क्योंकि इनका फंक्शन तभी होगा जब इनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाएगा, जाएगा। तो आप जानते हैं प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य को खो देगी, डिवाइड प्रोटोप्लाज्म, तो आप जानते हैं कि ये डेड हो जाएंगी और लिग्निफाइड हो जाएंगी, डेड और लिग्निफाइड, और फिर अपना फंक्शन करती है। तो लिग्निफाइड और डेड, तो लिग्निफाइड ही क्यों हुआ है, डेड डिवाइड प्रोटोप्लाज्म क्यों हुआ है, स्पेसिफिक फंक्शन को गेन करने के लिए। तो आप समझ रहे हैं कि वो जब डेड होता भी फंक्शन करती है, स्पेशलाइजेशन होता है, और लिग्निफाइड होकर आप जानते हो फंक्शन करती है, तो आपका आंसर क्या हो गया, थर्ड। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, सीव ट्यूब मेंबर्स हैव सीव प्लेट,
वेयर दे ज्वाइन विद अदर सीव ट्यूब मेंबर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द सीव प्लेट। चालनी नलिका सदस्य में चालनी प्लेट होती है जहां ये अन्य चालनी नलिका सदस्य से जुड़े होते हैं। कौन चालनी प्लेट का भलीभांति वर्णन करता है? सीव प्लेट आर नेसेसरी टू अलाउ कंडक्शन बिटवीन द सीव ट्यूब सेल्स। ठीक है, सीव प्लेट अलाउ जॉइनिंग ऑफ साइटोप्लाज्म बिटवीन द एडजेसेंट ट्यूब सेल। सीव प्लेट आर द परफोरेटेड एंड वॉल ऑफ सीव ट्यूब। ऑल ऑफ दिस, तो बिल्कुल अपन यहां पे कह सकते हैं सारे करेक्टर यहां पे देखिएगा। एक आपका होता है सीव सेल, तो सीव सेल तो यूनिसेलुलर सीव सेल और साथ में होती है एल्बुमिनस सेल, ये जिम्नोस्पर्म में होता है, जिम्नोस्पर्म में। और आप जानते हैं कि सीव ट्यूब का प्रेजेंस और साथ में कंपेनियन सेल, तो कंपेनियन सेल का प्रेजेंस ओनली एंड ओनली यूनिवर्सल कैरेक्टर है किसका? एंजियोस्पर्म का। और कंपेनियन सेल देखो अपन कहते हैं ना वेसल्स एनजीओ में होती है, लेकिन वेसल्स में कुछ एनजीओ में एक्सेप्शन है, कुछ एनजीओ वेसल लेस हो सकते हैं। बिल्कुल है ना, ट्रोपोडेंड्रेसी या जो भी विंट्रेसी, कुछ आप जानते हैं कि यक्का ड्रेसी मतलब जो लोअर एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें वेसल्स एब्सेंट हो सकती है, लेकिन कंपेनियन सेल अर्थ के सभी एंजियोस्पर्म में यूनिवर्सली प्रेजेंट, उसका यूनिक कैरेक्टर है, यूनिक कैरेक्टर है। अब आप समझ सकते हैं कि जो सीव ट्यूब है तो सीव ट्यूब एलिमेंट है, बिल्कुल सीव ट्यूब, तो देखिएगा कि जो सीव ट्यूब एलिमेंट है तो ये सीव ट्यूब एलिमेंट है और ये कंप्लीट सीव ट्यूब हो गई, और ये कंप्लीट क्या आप जानते हैं कि सीव ट्यूब एलिमेंट है, बिल्कुल ऐसे ही आपकी बन गई सीव प्लेट। हाँ हाँ, तो जो ट्यूब एलिमेंट है वो उसका यूनिवर्सल यानी एक एक अवयव हो गए सिंगल सिंगल, तो सीव ट्यूब कंपोनेंट से आपकी बन गई सीव ट्यूब। अब सीव ट्यूब कंपोनेंट से एक पोर, फिर ये पोर, फिर पोर आगे से आगे आप जानते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनली ऐसे आपकी अरेंज हो जाएंगी और ये आपकी फॉर्म हो गई सीव प्लेट। बिल्कुल क्लियर। और यहां यहां आप समझ सकते हैं कि जो सेल्स होती है आपकी वो आपकी होती कंपेनियन सेल, जो प्लाज्मोडेस्माटा से अटैच होती है, जो इसके सारे फंक्शंस को मेंटेन करती है, इसकी प्रेशर ग्रेडिएंट को, हाँ, जो दाब प्रवणता को बनाए रखती है जिससे मास फ्लो बल्क फ्लो जाएगा फ्लूइड का, तो वो सारी बातें करती है। तो आप जानते हैं कि वो ऐसे एंड टू एंड परफोरेटेड परफोरेशन प्लेट होती है या एंड टू एंड आप जानते हैं कि अटैच होती है, और ईच सीव ट्यूब कंपोनेंट से आपका कंपेनियन सेल अरेंज होता है, और हर सीव ट्यूब सेल में यहाँ पर एक लार्ज वैक्यूल है, इस लार्ज वैक्यूल के अंदर से फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये आप जानते हैं कि पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है। बिल्कुल क्लियर। तो ये सारे कैरेक्टर आपके हैं, तो ऑल ऑफ अबव। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 19, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। यहाँ आपको देखो कि जो कॉलम फर्स्ट में कुछ एट्रीब्यूट्स आपको दे रखे हैं, कॉलम सेकंड को आपको उसे मिलान करना है। बिल्कुल, तो देखो सीव ट्यूब, तो सीव ट्यूब चालन का किसमें होती है? एंजियोस्पर्मिक फ्लोएम में। क्लियर। कंपेनियन सेल सहकोशिका जो होती है वो ऑलवेज एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है। बिल्कुल क्लियर, जिम्नो में तो पॉसिबल ही नहीं। एल्बुमिनस सेल, एल्बुमिनस सेल किसमें होगी? जिम्नोस्पर्म में होगी। सीव सेल किसमें होगी? जिम्नोस्पर्म में होगी। बिल्कुल अपन कह सकते हैं कि साहब जो सीव ट्यूब के जगह पर तो होती है सीव सेल और कंपेनियन की जगह पर होती है एल्बुमिनस सेल। अभी अपन ने डायग्राम फॉर्म किया था कि जो कोई ये मल्टीसेलर फॉर्म में ये सीव ट्यूब है और सीव ट्यूब एलिमेंट ऐसे एक दूसरे से इलोंगेटेड फॉर्म में आप जानते हैं कि ज्वाइन होते हैं, तो वहां पे देखो ऐसे स्पेशली ये ऐसे आप जानते हैं कि तिरक रूप में ये आपकी क्या बन रही थी? सीव प्लेट। बिल्कुल, और सीव प्लेट परफोरेशन प्लेट जहां पर सीव पोर्स है, सीव पोर्स, और साइड में आप जानते हैं कि कंपेनियन सेल ये ओनली एंड ओनली एनजीओ का कैरेक्टर है। बिल्कुल, और कंपेनियन सेल तो ईच और एवरी यानी ऑल एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होगी, सभी एंजियोस्पर्म में, सभी आवर्त बीजों में उपस्थित होगी, लेकिन कभी भी जिम्नोस्पर्म में नहीं होगी, नॉन एंजियो में नहीं होती है। अब जैसे कुछ जिम्नो में वेसल्स हो सकती है लेकिन ऑलमोस्ट में एब्सेंट होती है, और एंजियोस्पर्म में ऑलमोस्ट में वेसल्स प्रेजेंट होती है, कुछ ऐसे एंजियोस्पर्म में लोअर एंजियोस्पर्म जहां वेसल्स एब्सेंट हो सकती है। यानी अगर मैं आपको ऐसे कह दूं कि मैंने आपको एक पीस ऑफ वुड, मैंने आपको एक लकड़ी का टुकड़ा दिया है ना, पीस ऑफ वुड, अगर मैं आपको एक लकड़ी का टुकड़ा दूं, ठीक है, वुड की पीस दूं मैं आपको, क्लियर, और मैं कहूं कि उसमें कंपेनियन सेल्स हैं और आप जानते हैं कि उसमें वेसल एब्सेंट है, वेसल लेस है, लेकिन अगर कंपेनियन सेल और वेसल लेस है तो एनजीओ का हो जाएगा। क्लियर, आप समझ। और ऐसे नहीं कि वेसल प्रेजेंट है तो एनजीओ, वो जिम्नो भी हो सकता है, निटल से रिलेटेड हो सकता है, मॉडर्न में होता है। फ्लोएम पेरेन्काइमा, तो फ्लोएम पेरेन्काइमा आप जानते हो कि बोथ में चला जाएगा क्योंकि डायकोट में होता है, डायकोट के फ्लोएम में पेरेन्काइमा होता है, मोनोकोट में तो एब्सेंट होता है, इसलिए आप जानते हैं कि बोथ में हो जाएगा, और फाइबर फाइबर दोनों में हो जाएंगे होता है। तो यहाँ आप अपन बात कर सकते हैं कि थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, ए में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, क्योंकि ये तो कॉमन हो गए, और बी में फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स, क्योंकि फिफ्थ सिक्स यहाँ पर क्या है? कॉमन है। बिल्कुल बिल्कुल, क्लियर। तो आंसर आपका क्या हो गया? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20, सीव ट्यूब आर बेस्ट स्टडीड
साइट फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट ग्लूकोज चालनी नलिका विलेय के स्थानांतरण के लिए, मतलब सुक्रोज के स्थानांतरण के लिए उपयुक्त होती है, क्योंकि दे आर प्रेजेंट इन सेपरेट फॉर्म, दे पजेस नो एनवोल, दे हैव हायर नंबर ऑफ पिट, दे पजेस इंटरकनेक्टेड ल्यूमन। तो अपन यहां पे कह सकते हैं कि साहब जो सीव ट्यूब है, इस सीव ट्यूब में कंडीशन कौन सी होती है, ये बेस्ट साइट क्या है ट्रांसलोकेशन के लिए, दे पजेस नो एनवोल, दे पजेस इंटरकनेक्टेड ल्यूमन। तो यहां पर जो ल्यूमन है वो क्या है, इंटरकनेक्टेड है, बीच में यहां पर सीव प्लेट पाई जाती है। भाई ये ऐसे एक एंडोल परफोरेटेड है, इनकी एंडोल क्या है, परफोरेटेड है, और ये आगे से आगे से कनेक्टेड होती जाती हैं लॉन्गिट्यूडिनली, ठीक है। जबकि अपन कहते हैं ना, जैसे कि जो सीव सेल या एल्बुमिनस है वो क्या है कि यहाँ एंडोल पर परफोरेशन नहीं है, एंडोल टैपरिंग है और नो परफोरेशन, तो फिर वो जिगजैग फॉर्म में अटैच होगी बिल्कुल, और ये लॉन्गिट्यूडिनली होगी, क्लियर। आप समझ रहे हैं कि यहाँ आपका हो जाएगा दे पोजेस इंटरकनेक्टेड ल्यूमेन, बिल्कुल, या किसी आगे इंटरकनेक्टेड आपकी होती जाएगी, एक कॉलम बन जाएगा बिल्कुल, हाइड्रोस्टेटिक कॉलम। जैसे आप जानते हैं जाइलम के लिए, आप जानते हैं कि हाइड्रोस्टेटिक कॉलम होता है फ्लोएम ट्रांसलोकेशन के, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं वहां पर देखिएगा, जैसे अपन वो कैरेक्टर भी पढ़ लेते हैं, जैसे जो ट्रैकेड होती है वो प्रिमिटिव है, कंडक्टिंग एलिमेंट है एक तो सभी प्लांट में, और जानते हो ये जो ट्रैकेड होती है उसमें एंडवॉल नॉन परफोरेटेड, यानी पिट नहीं होते हैं, एंडवॉल नॉन परफोरेटेड होती है बिल्कुल, तो वो अटैच होती है जिगजैग फॉर्म में। और जो वेसल्स होती हैं, वेसल्स आप वेसल एलिमेंट होते हैं, तो वेसल्स आप जानते हैं कि लॉन्गिट्यूडनली अटैच होती है, क्योंकि परफोरेशन परफोरेटेड प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कैरेक्टर होता है, तो वहां लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेट आपका जो कंडक्शन है, स्ट्रेट कंडक्शन है, और इसके अंदर जो कंडक्शन है वो इस तरीके से जिगजैग कंडक्शन है, जिगजैग, क्योंकि यहाँ पे लेटरल साइड से इस तरीके से ट्रैकेट्स का अटैचमेंट होगा बिल्कुल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट आप देखिएगा, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 21, विच टिश्यू प्रोवाइड मैक्सिमम मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, बिल्कुल, कौन सा उत्तक है जो पादप को अधिकतम यांत्रिक सामर्थ्य देता है, बिल्कुल। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप सिंपल परमानेंट की बात हो तो देखो जो कोलेनकाइमा है, तो कोलेनकाइमा लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है, तो एक आइडियल नहीं हो, क्योंकि मैकेनिकल टिश्यू जनरली लिविंग नहीं होते हैं, लेकिन कोलेनकाइमा का फंक्शन अदर फंक्शन भी है और मैकेनिकल सपोर्ट भी हो सकता है, लेकिन वो लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है, मतलब इससे जो स्ट्रेंथ मिलती है वो स्क्लेरेनकाइमा से कम मिलती है, ठीक है। और आप जानते हैं कि स्क्लेरेनकाइमा, तो स्क्लेरेनकाइमा वहां पर 100% आप जानते हैं कि डेड मैकेनिकल टिश्यू, और आइडियल सबसे प्रमुख मोस्ट प्रोमिनेंट जो आपका मैकेनिकल टिश्यू है स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है बिल्कुल। अब उसके बाद में से जाइलम है, तो जाइलम का जो जाइलम के जो कंडक्टिंग एलिमेंट होते हैं वेसल्स और ट्रैकेट्स, उनका मेन फंक्शन तो कंडक्शन भी है, लेकिन साथ साथ में मैकेनिकल सपोर्ट, क्योंकि वो डेड स्ट्रक्चर हो गई, डेड स्ट्रक्चर आपकी हो गई। तो यहां देखिए पैरेनकाइमा कोलेनकाइमा, अब आंसर में पैरेनकाइमा कोलेनकाइमा भी है और मेरिस्टेम भी है बिल्कुल, और लेकिन अब स्क्लेरेनकाइमा आंसर, अगर स्क्लेरेनकाइमा तो सबसे अपन प्रेफरेंस किसको देते हैं, स्क्लेरेनकाइमा को देते हैं, लेकिन फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, जाइलम, क्योंकि कोलेनकाइमा से ज्यादा प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, जाइलम को दी जाएगी, तो आंसर विल बी 4-4। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस बाय जल का अरीय संवहन किसके द्वारा होगा, वेसल्स, वेसल्स एंड ट्रैकेट्स, फ्लोएम एंड पैरेनकाइमा, बिल्कुल अपन कह सकते हैं जाइलम क्या करता है, जो वाटर है उसको ऊपर की तरफ लेके जाता है, लेकिन वहां पर जाइलम में जो जाइलम पैरेनकाइमा होती है जिसको आप लोग बोलते हो पैरेनकाइमा, ये वाटर का इस तरीके से रेडियल कंडक्शन करती है, रेडियल कंडक्शन आप समझते हैं कि ये मान लो कि वेसल्स, वेसल्स बिल्कुल, अभी स्ट्रेट कंडक्शन तो ये लेके चली जाएगी, और यहां जो ऐसे कंडक्शन होगा लेटरल आप जानते हैं, तो ये आप जानते हैं रेडियल, तो ये आपका हो गया रे पैरेनकाइमा, आसपास की जो सेल्स होती है उनको वाटर लेके देती है, आप समझ सकते हैं कि देखो फंक्शन के बेसिस बताया था अपने की प्रोटोड्रम, तो प्रोटोड्रम जो प्राक तवक होता है, प्रोटोड्रम जिससे इससे आपकी बनती है ETS, एपिड्रमल टिश्यू सिस्टम, एपिड्रमिस। उसके बाद आप जानते हो कि ग्राउंड मेरिस्टेम, बिल्कुल, तो जो भ्रूण विभेदक होता है ग्राउंड मेरिस्टेम होता है, वो बनता है पेरिप्लेम से, बिल्कुल, तो ग्राउंड मेरिस्टेम मतलब कुछ पार्शियली प्लीरोम भी हो सकता है, ग्राउंड मेरिस्टेम से आपका बनता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, बिल्कुल, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। उसके पश्चात आपका होता है प्रोकैम्बियम, बिल्कुल प्रोकैम्बियम। तो देखिएगा कि प्रोकैम्बियम से साथ प्रोकैम्बियम से बिल्कुल साथ साथ आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन होकर आपका डेवलपमेंट होता है प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, बिल्कुल। अब उसके अंदर जो भी आपके कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं, जैसा जैसा डिवाइड प्रोटोप्लाज्म करते हैं, जो जो प्लांट की रिक्वायरमेंट है वैसे वो स्पेसिफिक फंक्शन के लिए डिफरेंशिएट आपके होते हैं, तो यहाँ आंसर क्या होगा, प्रोकैम्बियम।
क्लियर। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 24, ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स आर रिलेटेड ऑन्टोजेनेटिकली एज दे रिमेन एसोसिएटेड डेवलप फ्रॉम सेम मदर सेल रिमेन लिविंग लैकिंग न्यूक्लियाई एट मैच्योरिटी बिकम नॉन लिविंग एट मैच्योरिटी। तो अपने बोल सकते हैं कि सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल जो है इनको सिस्टर सेल बोलते हैं, बिल्कुल इनका जो ओरिजिन है वो सेम मदर सेल से मदर सेल से। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर आपका होगा डेवलप फ्रॉम सेम मदर सेल, बिल्कुल सिस्टर सेल्स हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25, इफ ए स्कॉलर विश टू ऑब्जर्व मेरिस्टेम एंड ऑल परमानेंट टिश्यू मटेरियल मस्ट बी ऑफ हायर प्लांट हायर एनिमल बोथ वन एंड टू या लोअर हायर प्लांट। तो अपन कह सकते हैं कि अगर उसको परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को स्टडी करनी है तो उसको हायर प्लांट जो है उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, हायर लेना पड़ेगा। भाई एल्गी तक तो टिश्यू है ही नहीं ना, बिल्कुल ये एल्गी थैलोफाइटा लोअर प्लांट यहाँ तक तो टिश्यू ही नहीं, टिश्यू सिस्टम की शुरुआत ब्रायोफाइटा से होती है, फर्स्ट टाइम ब्रायोफाइटा से टिश्यू आया, बिल्कुल। लेकिन ब्रायोफाइटा में भी ओनली सिंपल परमानेंट है, बिल्कुल ओनली पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा जो मर्दू तक है, बिल्कुल मैकेनिकल टिश्यू या जो कंडक्टिंग टिश्यू है जो वैस्कुलर टिश्यू में तो एब्सेंट है। आप जानते हो फर्स्ट वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा से फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ क्या वैस्कुलर टिश्यू, बिल्कुल जो अपन डायवर्सिटी में आपको बहुत अच्छे से बता चुके हैं, बिल्कुल। तो फर्स्ट टाइम वैस्कुलर टिश्यू अपीयर इन टेरिडोफाइटा, मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग एंड फॉसिल प्लांट व्हिच हैव वैस्कुलर टिश्यू रिलेटेड टू टेरिडोफाइटा। तो आप जानते हैं टेरिडोफाइटा है वो, तो बिल्कुल। फिर आप जानते हो जिम्नोस्पर्म और फिर क्या एंजियोस्पर्म, तो शुरुआत टेरिडोफाइटा से होगी थी। आप जानते हैं कि हायर प्लांट की बात यहाँ पर होगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26, मेन मैकेनिकल टिश्यू इन एक्वाटिक प्लांट। तो एक्वाटिक प्लांट जो है उनमें आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो मैकेनिकल टिश्यू वो एब्सेंट होता है, वहां सिर्फ पैरेन्काइमा होता है, हाइड्रिला है। पहली बात ध्यान दीजिए हाइड्रिला, हाइड्रिला क्या होता है कि सबमर्ज्ड है, बिल्कुल जल निमग्न है, पानी में डूबा हुआ रहता है, पानी में डूबा होता है। अपने क्या कहा था कि डाइकोटमिक ओलेनकाइमा है लेकिन अंडरग्राउंड पार्ट में नहीं है, सबमर्ज्ड प्लांट में नहीं है, बिल्कुल। तो अब यहाँ पर आप दिमाग लगाए कि कोलेनकाइमा तो है ही नहीं, स्क्लेनकाइमा वैसे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और जाइलम फ्रॉम रेस्ट डेवलप होते हैं, मैकेनिकल टिश्यू में वैसे नहीं होते, बिल्कुल। तो हाइड्रिला के अंदर अपन बात करते हैं कि यहाँ पर नन ऑफ दीज आपको आंसर हो जाएगा, ये पानी में डूबा हुआ इसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखिएगा इसमें भी कोलेनकाइमा आ गया, इसमें कोलेनकाइमा आ गया, अच्छा इसमें सेकेंडरी जाइलम आ गया, तो सेकेंडरी ग्रोथ तो वहां पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल क्लियर। तो अगर कोई पेयर में स्क्लेन थोड़ा पॉसिबल भी हो तो वहां सेकेंडरी जाइलम नहीं होता, दो ऑप्शन में कोलेनकाइमा है इसलिए वो रॉन्ग हो गए, क्योंकि अपन ने कहा था बेटा कि कोलेनकाइमा मोनोकोट में कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल डाइकोट में होता है लेकिन अबव द ग्राउंड यानी जो वायवीय पार्ट होते हैं एरियल पार्ट होते हैं, अंडरग्राउंड पार्ट में नहीं होगा, चाहे स्टेम भी अंडरग्राउंड हो जाएगा तो नहीं होगा, और सबमर्ज प्लांट जल में डूबे प्लांट में नहीं होगा, क्लियर। तो फिर आप जानते हैं कि यंग डाइकोट स्टेम और पेटियोल वहां पर आपका प्रेजेंट होता है, लीफ लैमिना का जो लीफ का मार्जिन है वहां पर आपका प्रेजेंट हो सकता है कोलेनकाइमा। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27, द लिविंग सेल्स ऑफ जाइलम, अपने को पता है जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम में चार सेल होती है, इनमें से जाइलम पेरेन्काइमा ही लिविंग होती है। भाई जाइलम के जो कंपोनेंट है, फर्स्ट आप कहें कि जो यूनिवर्सल है और ट्रेकेट्स मोस्ट प्रिमिटिव है ट्रेकेट्स, क्योंकि जहां से वैस्कुलर टिश्यू आए टेरिडोस में, टेरिडो में ट्रेकेट है, जिम्नो में ट्रेकेट है, एनजियो में, लेकिन आप जानते हैं कि वेसल्स जो होती हैं वो मोस्टली एनजियो में, कुछ जिम्नो में पॉसिबल है। तो ट्रेकेट है, वेसल्स हैं, ये तो कंडक्टिंग एलिमेंट हो गए और डेड होते हैं, ड्यूड प्रोटोप्लास्ट लिग्निफाइड होते हैं। उसके पश्चात आप जानते हैं कि जाइलम फाइबर, तो जाइलम फाइबर भी क्या होते हैं, डेड होते हैं, लिग्निफाइड होते हैं। ओनली एंड ओनली जो लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम दैट इज जाइलम पेरेन्काइमा, बिल्कुल। तो आंसर आपका क्या होगा, जाइलम पेरेन्काइमा, और यूनिवर्सल भी होगा पेरेन्काइमा, देखो इस कोर्स भी आप समझ गए हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28, ग्रास स्टेम इलोंगेट्स आफ्टर इनिशियल ग्रोथ ड्यू टू, घास का तना प्रारंभिक वृद्धि के पश्चात दीर्घीकृत होता है क्यों, इंटरकैलेरी मेरिस्टेम। भाई एनसीईआरटी की लाइन भी है कि जो शाकाहारियों के द्वारा घास का खाया गया भाग है दोबारा बन जाता है, जनरेट हो जाता है ड्यू टू इंटरकैलेरी, यंग स्टेज में तो जैसे घास तीव्रता से ग्रोथ कर रही है, कच्ची घास है, जानवर खा भी गया तो वापस ग्रो कर जाती है, बिल्कुल। क्योंकि आप जानते हैं कि परमानेंट के बीच में उनकी नोड के अबव पार्ट में मैक्सिमम या कभी कभी लोअर पार्ट में ये मेरिस्टेमेटिक पार्ट रिमेन रह जाता है, उसको आप कहते हो इंटरकैलेरी, और ये मोनोकोट में या ग्रासेज में उन्हीं में आपका ये पॉसिबल है, घास में पौधे में सब में होता है, और ये रीजनरेशन में सहायक है, बस बिल्कुल। जो शाकाहारी जंतु जो घास को खा जाते हैं तो खाए हुए भाग का पुनर जनन या रीजनरेशन में आपका सहायक है क्या, इंटरकैलेरी। या फिर जैसे गन्ना होता है, तो गन्ना आप जानते हैं कि अपनी एक बार लेंथ देने के बाद भी थोड़ा और इसको इसको और इंक्रीज कर सकता है, तो वो किसके कारण, इंटरकैलेरी के कारण, बिल्कुल बाकी पॉसिबल नहीं होता है।
तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम आपका हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29, क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू सिस्टम इज डिपेंड ऑन। तो ध्यान दीजिएगा कि जब आपको पता है मेरिस्टेम से परमानेंट ओरिजिन होते हैं, प्लांट ऑर्गन का स्ट्रक्चर बनता है, तो पोजीशन के बेसिस पे आप देखते हो कि सबसे पहले आप जानते हो ETS एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, फिर आप जानते हो कि जो ग्राउंड टिश्यू है तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम GTS, बिल्कुल, और फिर आपका आता है VTS वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। तो ETS, GTS, VTS एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, पोजीशन, क्लियर। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30, जाइलम टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ, अपने को पता है जाइलम के अंदर 4 टाइप की सेल होती है, ट्रैकेट, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा। तो आंसर यहां पे हो गया 4 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट, 4 सेम काइंड या डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट, ट्रैकेट, वेसल, पेरेन्काइमा, फाइबर, बिल्कुल, तो डिफरेंट टाइप के हैं। तो देखो बेटा कि अपन ने एनाटॉमी फर्स्ट के जो क्वेश्चन आपको डिस्कस किए, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पर देखो कि टिश्यू की डेफिनेशन पढ़नी है। मेनली टिश्यू दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, अनडिफरेंशिएट और डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, हाँ, और वो इधर डिवीजन कैपेसिटी, उसमें डिवीजन कैपेसिटी लॉस्ट हो जाती है। फिर आप समझ सकते हैं कि भी मेरिस्टेमेटिक के टाइप्स क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स है उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर क्या है, तो सारे कैरेक्टरिस्टिक आप लिस्टिंग करें, उसके पश्चात आप जानते हैं कि 3 बेसिस आप लें ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन। तो आप समझते हैं प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, बिल्कुल। ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन तो एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकलर मेरिस्टेम प्राइमरी है और लेटरल मेरिस्टेम आपका सेकेंडरी है। और ऑन द बेस ऑफ फंक्शन तो आप जानते हो प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम और आप समझ सकते हैं कि प्रोकैम्बियम, बिल्कुल, क्लियर। उसके पश्चात अपन जानते हैं कि स्ट्रोजन थ्योरी और ट्यूनिका कार्पस थ्योरी को आप ढंग से देखें। फिर आप समझ सकते हैं बेटा कि जो लीफ कैसे डेवलप होती है और रिमेनिंग जो पीछे एक्सिलरी बड कैसे रह जाती है उस पर आप ध्यान दें। उसके पश्चात आप परमानेंट टिश्यू तो पेरेन्काइमा सेल्स के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, कोलेनकाइमा सेल्स के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, अनइक्वल थिकनिंग किसकी होती है और कोलेनकाइमा का प्रेजेंस क्या है, फंक्शन क्या है। उसके पश्चात आप जानते हैं कि स्क्लेरेनकाइमा के टाइप्स क्या हैं ओरिजिन के बेसिस पे, और फिर आप जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट में प्राइमरी जाइलम उनके कंपोनेंट क्या हैं और जो प्राइमरी फ्लोएम है उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। ये सारा आपका हो जाएगा तो अपन आपको समझाएंगे बाकी टिश्यू सिस्टम, ETS, GTS और VTS, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, और जो रूट, स्टेम, लीफ है उनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल, है ना। तो अपन वहां पर आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑर्गन की, बिल्कुल, और बिल्कुल आपको इनिशियली की कैसे मेरिस्टेम से सब कुछ डेवलप हुआ, कैसे प्लांट ऑर्गन का फॉर्मेशन हो गया। तो ETS, GTS और जो आपका VTS होता है वहां आप जानते हैं कि वैस्कुलर बंडल का एक टॉपिक आप पढ़ते हो, झांसी क्वेश्चन नीट में आ जाता है, बिल्कुल। और फिर उससे नेक्स्ट में अपन डिस्कस करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। तो इसके साथ आप एनाटॉमी का एंजॉय कीजिए, एनाटॉमी को पूरा कीजिए, मस्त रहिए, अच्छे रहिए। थैंक यू वेरी मच।